हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए हम लोग संविधान की नई सीरीज शुरू करते हैं। इसका ये पहला पार्ट है, दो पार्ट में ये ख़त्म होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं संविधान के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। फिर भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ना ये अस्थाई था ये स्थाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, यानी ठीक उसके 2 दिन बाद, है ना। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के सभापति B.R. अम्बेडकर। एक हमने संविधान की ट्रिक डाली थी पहली, उसमें आपने देखा होगा, उसमें हमने ये बताया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, है ना, तथा इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू कर दिया गया। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए देखते हैं भारत के, ये आप जानते ही होंगे, भारत ध्वज के चक्र में कितने अर, ये तीलियां आप लोग पढ़ते होंगे अक्सर, लेकिन हमने देखा पेपर में अर पूछा गया था या स्पोक, है ना। तो ये आप वर्ड ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड दे देता है जो आप लोग बहुत ही कम सुनते हैं, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया था। फिर आइए देखते हैं भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। राष्ट्रीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो पेपर में आए हुए हैं, तो इनको आप एकदम से अच्छे से रट लीजिएगा, आपका जरूर फायदा होगा, ये हमारा वादा है। राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है, तो इसको आप थोड़ा सा कायदे ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे देते हैं, तो 2:3, क्योंकि हम लोग लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 रटे रहते हैं। वो मान लीजिए पेपर में चौड़ाई और लंबाई दे दिया, तो 2:3 वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगान, है ना, और जबकि राष्ट्रध्वज अभी आपने उधर देखा था 22 जुलाई 1947 को, है ना, तो वो राष्ट्रध्वज था 22 जुलाई 1947, और जबकि इधर ये राष्ट्रगान है 24 जनवरी 1950। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, है ना, लेकिन इसको संविधान में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द डेमोक्रेसी, है ना, शब्द डेमोक्रेसी किस भाषा का है, तो ये ग्रीक भाषा का है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ये किस चीज़ की, क्या, कहाँ से लिया गया है, इसकी हमने ट्रिक डाली है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, और उसमें सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, एक बार ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना, यानी USA से, मौलिक कर्तव्य रूस, तो USSR, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी रूस ना देकर ये शॉर्ट नेम दे देते हैं, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो पूरी तरह पढ़ लेते हैं कि पेपर में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मूल पीठ में वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, यानी मूल संविधान की बात की जा रही है इस समय। संविधान की उद्देशिका में एक बार, यानी केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया, जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे सब जोड़े गए। ये क्वेश्चन बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कौन से शब्द जोड़े गए, या फिर पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन में ये शब्द जोड़े गए। आप देखिए, आइए अगला क्वेश्चन। पुलिस लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज व्यवस्था, भूमि सुधार आदि राज्य सूची के विषय हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी एक वर्ड दे देते हैं, पूछ लेंगे किस सूची का विषय है, तो आपको जानना होगा कि किस सूची का है, तो इनको आप कायदे से रट लीजिए। आइए अगला देखते हैं। रेडियो और टेलीविज़न,
रेडियो और टेलीफोन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये संघ सूची के विषय हैं। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संविधान में इंडिका नामक दूसरा नाम, इंडिया नामक दूसरा नाम, कहने का मतलब ये क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि संविधान में भारत का दूसरा नाम इंडिया किस अनुच्छेद में है, या फिर भारत का दूसरा नाम कौन सा संविधान में वर्णित है। तो इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत अनुच्छेद एक में ही भारत और इंडिया दोनों का नाम, जैसे कि आप जानते हैं अनुच्छेद एक में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत और इंडिया दोनों शब्दों का वर्णन अनुच्छेद एक में लिखा गया है। तो वही इसने पूछा था कि संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या है, तो भारत है। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है अनुच्छेद 14 में विधि, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का मूल सिद्धांत दिया गया है ना। अनुच्छेद 14 ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है, तो 14 में। फिर आइए देखते हैं अनुच्छेद 19 एक का वाक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो ये पूछा गया है वाक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित, तो 1901 के का में। फिर आइए देखते हैं आर्थिक योजना है ना, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण एवं और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन दंड संहिता, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। तो तीनों सूचियों के विषय हमने लिखवा दिए हैं, आप अच्छे से इनको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी, है ना। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग एक में संघ और उसके राजक्षेत्र का वर्णन है, भाग दो में नागरिकता का उल्लेख है, भाग तीन में मूल अधिकार, भाग चार में राज्य के नीति निदेशक तत्व, और भाग चार का में मूल कर्तव्य। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, इसीलिए अब 6 ही रह गए हैं। और ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर आइए देखते हैं कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए वही यहाँ पर लिखा है हमने, संपत्ति का अधिकार अब यह अनुच्छेद 300 का के अनुसार विधिक या कानूनी अधिकार है, है ना। फिर आइए देखते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सभी लोग जानते होंगे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, है ना, और जबकि शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये हमने कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक ही जगह पर तीनों चीज़ें लिख दी हैं, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से पूरी मतलब ये जो अनुच्छेद 52 है ये राष्ट्रपति से संबंधित है, पूरी तरह पूछा गया क्वेश्चन है। 61 राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियों का वर्णन किया गया है। फिर आइए देखते हैं अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की का वर्णन किया गया है, है ना। तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे, वीवी गिरी के निर्वाचन में के समय दोबारा मतगणना की गई। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने सारे एक ही में लिख दिए हैं कि आप अच्छे से इनको ध्यान रखिए हमेशा के लिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2, है ना, एंग्लो इंडियन को।
तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन दे दिए हैं पहले पार्ट में। अभी इसका एक पार्ट और है जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, तो आपका पूरा संविधान कवर हो जाएगा। इतने ही आप पढ़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।